भाई साहब, गांव वाले रिपोर्टर का नमस्कार है। ये देखिए, ये है सिसवा से सेंदुरिया रोड। अब यहाँ का जनता मने सिसवा विधानसभा के और महाराजगंज की जनता ये कह रही है का अब यहाँ के नेता जी लोग के, यहाँ के विधायक जी लोग के अब जो है राष्ट्रपति बना देंगे चाहे प्रधानमंत्री बना देंगे तभी रोडवा बनेगा। हाँ, ये देख लीजिए, इस सिसवा से सिंदुरिया रोड है और जिला मुख्यालय को जोड़ता है, यानी कि महाराजगंज जिला। और लगातार जो है सालों से जो है इसकी हालत जो है ऐसे, जब आप चलेंगे नया गाड़ी, लग्जरी गाड़ी भी लेंगे तो लगेगा कि आयसर ट्रैक्टर पर सफर कर रहे हैं। ये दूर तक जाएंगे, ये तो है छोटका गड्ढा है, अभी पूरा रास्ते में गड्ढा है। मने अगर काउंटिंग किया जाए भैया, तो हमको लग रहा है कि हजार हजार तो छोड़िए, 2-4 लाख गड़ढा इसमें होगा। वैसे जब विधानसभा का चुनाव था तो महाराजगंज जिले के नेता जी लोग बड़का बड़का बात किए थे, यहाँ के मौजूदा विधायक भी कहे थे कि विधायक बनने के तुरंत बाद 6 महीने के अंदर ये जो है रोड भैया चकाचक बनवा देंगे। 6 महीना हो गया, इसीलिए सोचे हैं विधायक जी को याद दिला दे। चकाचक तो नहीं हुआ, लेकिन जो गिट्टी उट्टी बचा था वो उखड़ के किनार हो गया। तो ये विधायक जी और ये सांसद जी देश के बड़े नेता माने जाते हैं। मौजूदा समय में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं पंकज चौधरी साहब, जो यहाँ के सांसद हैं, और यहाँ के विधायक हैं प्रेम सागर पटेल जी। इस रोड की हालत देखिए, हम सोचे हैं आप लोग को इस रोड का भी हालत दिखा दे, ताकि इस क्षेत्र के लोगों की बड़ी पीड़ा है, बड़ा दर्द है। बहुत सारे लोग हमको फोन करते हैं, गाँव वाले रिपोर्टर ससुरारी 1.5 साल हो गया, गए नहीं। हम कहे काहे जी, काहे नहीं गए? तो क्या करें, विधायक जी जाने ही नहीं दे रहे हैं। हम कहे काहे भाई, विधायक जी कोनो कसम ओसम दिए हैं का कि क्रिया किया है? तो कह रहे हैं मर्द ही बताओ, ससुरारी का आदमी का तो वैसे ही गाड़ी देता है। तो नेता लोग भी रिश्तेदारे हुए ना, आज जब भाई सिसवा से सिंदुरिया रोड पर जाते हैं तो मुँह में से कितना गाड़ी निकलता है कैसे बताएं, तो शर्म के मारे नहीं जाते हैं, क्योंकि ससुरारी के लोग का जो है सम्मान करते हैं। तो लोग तो सम्मान करते हैं, लेकिन नेता जी लोग नहीं सम्मान कर पा रहे। एक भाई साहब आए, थोड़ा रुक जाइए, 1 मिनट बात करेंगे। कहाँ से आ रहे भाई साहब? कब से इस रोड की हालत है ऐसी? अरे साल भर से, साल भर से ऊपर हो गया। तो क्या एक्सपीरियंस है इस रोड पे? हमेशा आते जाते होंगे और रोजाना आते हैं, टेम्पू वाली स्थिति हो जाती होगी? हाँ, बहुत खराब रोड है। तो आपके नेता जी लोग क्या करते हैं, आपके यहाँ के विधायक जी सांसद जी लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं, जब विधायक जी जब बनवाई रहे चुनाव में जाते हैं का? हाँ, केवल चुनाव में। अब तो 4 साल फिर माला जपना पड़ेगा, अब क्या करेंगे हम लोग। अच्छा, एक और भाई साहब से बात कर लें। क्या हाल भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं? मनोहर जा रहे हैं हॉस्पिटल जॉब करते हैं। अच्छा, हॉस्पिटल में जॉब करते हैं जी। तो इसी रोड से जाते होंगे डेली? इसी रोड से जाते हैं। कब से है इस रोड की हालत ऐसी? ऐसे 4-5 साल से। 4-5 साल से? नेता जी लोग ध्यान नहीं देते हैं क्या? नेता जी विधायक जी का पता नहीं चल रहा है, पता नहीं कहाँ जीत के चले। तो दोबारा जीतिए, बढ़िया काम किए तभी जीते हैं। बढ़िया काम देख तो रहे हैं, सड़कों के हालत 4-5 साल से हालत इसकी यही है। यहाँ सिसवा तक चले जाइए, रोड डेली 2-4 लोग गिरते पड़ते हैं, रोज 2-4 लोग गिरते हैं, और बारिश के मौसम में पानी पूरा लग जाता है, एकदम पूरा चूटा चौराहे देखेंगे नहीं? छोटी गंडक बन गई थी वहाँ पे। तो मैंने रोज की आदत हाल है। तो रात में घर पे जाते होंगे तो मुंह कमर दर्द का लगाना पड़ता होगा? अरे डेली डेली पेंट का तो डेली खींचना पड़ रहा है, डेली मतलब गंदा पानी मारे बारिश से हो रहा है, तो डेली बाई डेली पेंट मतलब जूता हर चीज का हो जाएगा। आपने विधायक जी से क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं, मतलब बस चुनाव हो रहा था, उसके बाद कोई थे नहीं उनका। चुनाव में तो खूब सक्रिय थे। हाँ, चुनाव में तो मतलब डेली पता नहीं चल रहा है, पता नहीं कहाँ है, अभी पता नहीं चल रहा है। अरे फेसबुक तो बड़े नेताजी लोग दिखा रहे हैं, फेसबुक पर बस उनका छावा वावा है, उसे जमीनी काम तो कुछ है नहीं, बस हवा हवा ही है। अच्छा, चुनाव के समय तो विधायक जी बोले थे प्रस्ताव हो गया, जल्द से जल्द 6 महीने के अंदर बन जाएगा। बन जाएगा तो 6 महीने कम्प्लीट नहीं, साल भर हो गया, भरोसा नहीं है, सुनवाई नहीं है। अच्छा, तो रोज के राहगीर हैं आप? डेली अप डाउन करना। देखिए, ये लोगों का दर्द है, और कोई मास्टर साहब है तो कोई डॉक्टर साहब है। क्या हाल चाल है भाई साहब? कहाँ जा रहे हैं मालिक? महाराजगंज जाना। ससुराल ससुराल नहीं जा रहे हैं? तैयार नहीं, महाराजगंज। तो कपड़ा तो गंदा हो जाएगा इस रास्ते में? रोड तो बहुत मान लेते हैं, कोई भी 4-5 साल से कोई सुनवाई नहीं। 5 साल से है ना? अरे कोई भी सुनवाई तो नहीं। आप इसी विधानसभा कराने वाले हैं? हम सदर विधानसभा कराने वाले, आते जाते रहते हैं इधर सिसवा। इधर आते हैं तो क्या एक्सपीरियंस है इस रोड का आपका? इस रोड का एक्सपीरियंस यही है कि हमेशा टूटा पड़ा, कभी इसका कोई खेला नहीं है। विधायक गए, विधायक आ गए, कोई विधायक जी जीत के आ गए तभी इस रोड का काया कल नहीं हुआ। नहीं, कोई भी नहीं, का कुछ नहीं हुआ। क्या लग रहा है, सिसवा सिंदुरिया रोड का सपना साकार होगा कि फिर ऐसे ही चलता रहेगा? साकार नहीं हो पाएगा, साकार नहीं होगा ना। तो देखिए, एक खाली दिखावटी है, एक वोट आता है तो
चुनाव आता है तो नेता जी उसके बाद जो है नेता जी जगते हैं, मतलब बोल बच्चन अब पानी कम है। अच्छा तो आप महाराजगंज जाइए, चलिए हमारी शुभकामना है, अच्छे जाइएगा, गिरिएगा मत। हाँ तो और भी कुछ राहगीरों से हम बात करेंगे। और देखिए ये सिसवा से सिंदूरिया रोड है, सिंदूरिया है तो मात्र भैया 2 किलोमीटर दूर है। और लोग बता रहे हैं कि चुनाव आता है तो नेताजी खूब सक्रिय हो जाते हैं कि हाय सुख डायलॉग पे डायलॉग देते हैं कि अब काम हो जाएगा। वैसे लोगों को ये आज थी कि चुनाव के बाद जो है 2-4-5-6 महीने के अंदर जो है यह काम हो गया। और हमने भी जब विधायक जी से बात किया था तो वो कहे थे कि मामला जो है सौंप दिया गया है, प्रस्ताव में है, जल्द से जल्द इस रोड का निर्माण हो गया। विधायक जी का दूसरा भी कार्यकाल शुरू हो गया और 6 महीना बीत भी गया, यह रोड अभी तक जो है भैया बना नहीं। और भी कुछ राहगीरों से बात करेंगे और उनकी जो पीड़ा है, जो रोज के राहगीर हैं उनको जानने की भैया हम कोशिश करेंगे। देखिए एक और भाई साहब आ रहे हैं, क्या हाल चाल है भाई साहब? अरे हाल चाल बताइए, ठीक है? गुस्साए हैं क्या महाराज? नहीं, कहाँ से आ रहे हैं? अरे पास के गांव। तो रोज इसी रास्ते जाते हैं? नहीं, काम था। कब से इस रोड की हालत है ऐसी? अरे मान के चलिए जब से बना 2-3 साल चला सही, बाकी वैसे तो अभी ऐसे कब से 3-4 साल है ऐसी हालत? हाँ 3-4 साल नहीं, मान 2 साल मान लीजिए। 2 साल? हाँ 2 साल से इसका कोई पूछने वाला नहीं है। कौन पूछेगा, कोई नहीं। चुनाव भी अब बीत गया, आप तो चुनाव में ही डायलॉग आएगा नेताजी लोग का, तो आप लोग को तो आदत हो गई होगी अब इस रास्ते की। नहीं इधर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वैसे मन नहीं करता होगा इस रोड पे आने के लिए। बहुत इमरजेंसी होगा, मन मजबूरी होगा जाना, तभी जाते होंगे। 2014 में गए थे, अब फिर दोबारा जा रहे हैं। अच्छा तो ये 2014 में गए थे और दोबारा जा रहे हैं, तो मैंने लोग जिसका काम इस रास्ते के बिना न रुकता हो वही जाता होगा। हाँ बाकी जो है जिसकी मजबूरी है, जो जॉब में है वो जाता होगा कहाँ से। हाँ ठीक है भाई साहब, चलिए। और यह इस क्षेत्र के लोगों की पीड़ा है, सिसवा सिंदूरिया जो रोड है, तो भाई साहब से भी बात करते हैं। भाई साहब रुकिए जरा एक सेकंड, क्या हाल चाल है? तो इस रोड पे रोज जाते हैं? नहीं भैया, महीने में एक बार। कैसी हालत है इस रोड की? बहुत ही नदारत है। बहुत ही नदारत है। यदि कोई गर्भवती महिला हो जी तो समझ लीजिए कि वो अपने बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी, इतनी नदारत रास्ता है कि जिसका और रास्ते कोई में कोई दुर्घटना भी हो सकता है, जान भी सकता है सर। जो है कि मान लीजिए गच्चा कुछ इतना अधिक है, मान लीजिए कोई भी चला रहा है गाड़ी, अचानक आदमी गिर गया, सर में चोट लगा। तो महाराजगंज के नेता लोग तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो बातें बस करते हैं जो है कि काम नहीं करते, काम नहीं करते। ना ना ना, मैंने धरातल पे कुछ नहीं देखा। यदि उनको आना होता है वित्त मंत्री साहब को या विधायक जी को, तो सीधे महाराजगंज से जो है कि सिसवा, विधायक जी को आना है तो निचलौल से सिसवा, लेकिन सिंदूरिया मार्ग से कोई नहीं। टेम्पो वाले भाई सही बात बताएंगे, क्या नाम है दोस्त? जितेंद्र सहानी। अच्छा जितेंद्र भाई, रोज टेम्पो इसी पे चलाते हैं, इसी रोड पे? हाँ, कब से इस रोड की हालत है ऐसी? बहुत दिन से। कितना साल हो गया लगभग? अरे लगभग 4-5 साल हो गया। नेता लोग क्या करते हैं आपके यहाँ के मानो? कुछ भी नहीं करते क्या? 4 साल में रूढ़ी नहीं बना? नहीं बना। भाई नेता लोग कुर्ता पहन के घूमते हैं क्या? अच्छा चलिए जाइए। तो ये जितेंद्र है भाई, सवारी बहुत ओवर लोड बैठा है, वो थोड़ा कम करो। हाँ तो आप कुछ बोल रहे थे? अरे मंत्री साहब आते हैं जी, तो वो हुबली से होकर जो है कि सिसवा चले जाते हैं। इस रास्ते नहीं आते हैं? बहुत ही कम। बहुत ही कम ना? और 4 साल से इस रोड की हालत? बहुत ही दिन से इसी तरह है रास्ता ये। अच्छा तो चुनाव के दौरान यूपी विधानसभा जब चुनाव था तो सुना था कि प्रस्ताव हो गया है, जल्द रोड बनने वाला है। अब सर ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन कहे होंगे विधायक जी, क्या पता जो है कि क्या प्रक्रिया चला रहे हैं। अच्छा लेकिन जमीन पे नहीं दिख रही है वो बातें? नहीं दिख तो नहीं रही है। आप कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं महाराजगंज। अच्छा तो ये महाराजगंज जा रहे हैं भाई साहब। और देखिए लोगों के मन में कितनी पीड़ा है, और नेता लोग जब आते हैं तो नेता लोग के जो चमचे बेलचे होते हैं वो ये कर देते हैं कि थोड़ा चुन्ना बिछा देते हैं, थोड़ा गिट्टी बिछा देते हैं, और उसके बाद नेताजी को खुश करने के लिए उनके कान में 2-4 माला भरते रहते हैं और कहते हैं महाराज सब अमन चैन है। थोड़ा भाई साहब से बात किया जाए, क्या नाम है दोस्त? कन्हैया भाई कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे? खाद उठने जा रहे हैं। ये बताइए इस रोड की हालत कब से ऐसी है? बहुत टाइम हो गया भाई। कितना साल हो गया? अब इतना मालूम है, घर हमारा बहुत दूर है ना। तो रास्ता कैसा है ये? बहुत खराब है। बहुत खराब है ना, इससे खराब नहीं हो सकता है। अब इससे खराब क्या होगा? इससे खराब क्या होगा? जब पूरा ही खराब हो गया। आप कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं अपनी दुकान पे। अच्छा दुकान जैसे। इस रोड की हालत कब से ऐसी है? अरे हम तो अपने ससुराल से जाते हैं। ससुराल से जाते हैं। अच्छा ससुराल से? अभी हमको 2.5-3 महीना हुआ यहाँ आए, हम चंडीगढ़ रहते थे। अच्छा अच्छा। तो आए तब यहाँ से जा रहे, देखिए कितना बुरा हाल। बुरा हाल है। वो तो यही है, मुश्किल हो जाता होगा। मुश्किल तो यही है, जब से आने जाने लगे हैं बच्चे लेकर इतना दिक्कत रहता है। इतने रोड बन जा रहा है, रोड बन ही नहीं रहा है।
तो नेताजी लोग खाली बातें करते हैं, काम नहीं हो पा रहा है, तभी तो हाँ? तो महाराजगंज के नेताजी जी मतलब रोड नहीं बनता, इतना ज्यादा दिन से ही रोड खराब है, इसका कोई देखभाल नहीं करता है। अनाथ है क्या ये रोड? हो सकता है। तो आपकी तो खैर मजबूरी है, दुकान मजबूरी है तो हमको तो जाना पड़ा, पैडे मेरा यही काम है, डेली जाना है। मुझे लगता है इस रोड पे वही लोग जाते हैं जिनकी बहुत मजबूरी होती है, नहीं तो नया आदमी रास्ता बदल लेगा। रास्ता है नहीं लेता, रास्ता है ही नहीं है, सीधे ये का रास्ता है। तो बड़े बड़े नेताजी लोग ये आम लोगों की बातें सुन लीजिए और कितना दर्द है ये समझने की कोशिश कीजिए मेरे कैमरे के माध्यम से। और अब मैं क्या कहूँ, ये फिर से कहूँगा, ये सिंसवा से सिंदुरिया रोड है जो महाराजगंज जिले को जोड़ता है। अब यहाँ की जनता यह कह रही है का अब यहाँ के विधायक जी को प्रधानमंत्री बना दे, राष्ट्रपति बना दे, तभी रोडवा बनेगा। ये शब्द हमारा नहीं है, ये शब्द इस आम जनता का है और ये जनता का दर्द है। और गांव वाले रिपोर्टर जनता का दर्द दिखाने थे भैया, पीछे नहीं हटते हैं। कितने लोग ससुराल नहीं जा रहे हैं, मलिकाइन उनकी ऋषि आ गई हैं, हाँ हमको फोन करके बोलते हैं भैया रोडवा जब बनेगा तभी जाएंगे। अरे महाराज कुछ नहीं तो का नाम है गौमा का विधानसभा का तो सम्मान कीजिए आप लोग, आगे खाली जोन बाटे नेतागिरी उड़ाने चक होगा कि जमीनियों पर होगा, रोडवा बनवाइए। इंतजार रहेगा कि इस वीडियो के बाद इस क्षेत्र के नेता जगे और यह रोड बने। आप सब गांव वाले रिपोर्टर के साथ जुड़े रहिए। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।